धारा 144 होता क्या है, एक कहां लागू करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखें। हाँ, तो अभी आपने देखा कि धारा 144 यानी इंडियन एक्ट 144 होता क्या है, हम लोग कहां यूज करते हैं। तो अभी आपको बता दें हम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 144 के तहत एक जिला मजिस्ट्रेट या एक उपमंडल सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ऑथराइज्ड कोई अन्य प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट कथित खतरे या उपद्रव के तत्काल मामलों को रोकने और इसके इलाज करने के आदेश जारी कर सकता है। यानी जो 144 कहीं भी लागू होता है, इन सारी मामलों के लिए होता है। यह एक उपनिवेशिक कॉलोनियल युग का कानून है जिसे संहिता में संरक्षित किया गया है। धारा 144 उन मामलों में लागू होती है जहां आसन इमिनेंट उपद्रव या किसी घटना के संदिग्ध खतरे की परिस्थिति में मानव जीवन या उसकी संपत्ति को समस्या या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आमतौर पर CRPC की धारा 144 के तहत सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी जाती है। इतिहास में धारा 144 का इस्तेमाल उन रैलियों को रोकने के प्रयास में बधाए लगाने के लिए किया जाता है जो दंगे या अन्य प्रकार के हिंसा को भड़का सकती है। जब कोई आपात स्थिति होती है या ऐसे कोई सिचुएशन आते हैं हमारे और आपके समाज में, तो वहाँ पे भी 144 लगा दी जाती है। 144 लगाने का मेन मकसद वही होता है कि जहाँ पे दो या तीन लोग, चार लोग, पांच लोग एक जगह इकट्ठे ना हो सके, कुछ दल ना बना सके जो दंगे या अन्य प्रकार की हिंसा भड़का सकते हैं। जब कोई आपात स्थिति होती है तो कार्यकारी एक्विजिटिव मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 लागू करने का अधिकार दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन और दूरसंचार टेलीकॉम सेवाओं पर प्रतिबंध अक्सर धारा 144 के तहत लगाए जाते हैं। सभी को पता है 144 जम्मू कश्मीर में हमेशा लगते हैं और वहाँ पे पता है हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे करके आपको पता चल गया होगा कि धारा 144 क्यों लगाते हैं और कैसे लगाया जाता है और इसके तहत क्या असर पड़ते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर